हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेबी केयर विद अंजू में। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर, प्रेगनेंसी के बाद वजन घटाने के लिए डाइटिंग कब से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल बेबी केयर विद अंजू को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के बाद महिला को वजन घटाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, करीब 6 महीने बाद ही इसकी कोशिश करें। अक्सर देखने में आता है कि प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं का वजन बढ़ जाता है, हालांकि ये नेचुरल है। इसके लिए महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं। प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे को ब्रेस्ट फिट कराने तक महिला के लिए शरीर में परिवर्तन होते हैं। वजन बढ़ना उन्हीं परिवर्तनों में से एक है, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं प्रेगनेंसी के बाद अपने बढ़ते वजन को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका शारीरिक आकार बेढोल नज़र आने लगेगा, वे अट्रैक्टिव नहीं रह जाएंगी। यहाँ तक कि बढ़ते वजन के कारण उन्हें कई तरह की शारीरिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस तरह की कसमकस से निपटने के लिए कई महिलाएं बिना सोचे समझे बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही डाइटिंग करने लगती हैं, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। जब तक माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है तब तक उन्हें डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। तो सवाल है, प्रेगनेंसी के बाद महिला को कब डाइटिंग शुरू करनी चाहिए? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में, प्रेगनेंसी से डिलीवरी होने तक किसी भी महिला को डाइटिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बच्चा 6 से 12 महीने का हो जाए इसके बाद महिलाएं वजन कम करने के लिए डाइटिंग कर सकती हैं। शायद आपको ये पता ना हो कि बच्चे को जन्म देने की 6 सप्ताह में ही कई महिलाओं का वजन कम होने लगता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है महिला के वजन में फर्क दिखने लगता है। वजन कम करने में जल्दबाजी ना करें। कुछ महिलाएं अपने बढ़ते वजन को लेकर इतनी ज़्यादा सतर्क और सहज रहती हैं कि वे डिलीवरी के बाद ही वेट लॉस पर काम करने लगती हैं, जबकि वजन कम करने के लिए आपको समय लेना चाहिए। वजन कम करने के लिए ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप बच्चे के जन्म के तुरंत बाद वजन कम करने पर फोकस करने लगेंगे तो इससे आपकी रिकवरी स्लो हो सकती है। डाइटिंग करने की वजह से बॉडी को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं तो डाइटिंग करने की वजह से बच्चे की ग्रोथ पर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है। डाइट से कैलोरी काउंट कम करने के लिए या प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि पहले अपनी बॉडी को पूरी तरह हील होने दें, साथ ही कम से कम 1 साल तक बच्चे का सही विकास होने दें। इसके बाद धीरे धीरे डाइटिंग पर फोकस करें। प्रेगनेंसी के बाद कैसे वजन कम करें? प्रेगनेंसी के बाद वजन कम करने के लिए ये बताए गए टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के बाद वजन कम करने के लिए एक बार में हैवी मील लेने से बचें। पूरे दिन में 5 से 6 बार छोटी छोटी मील लें। खाना कभी भी स्किप ना करें, खासकर नाश्ता ज़रूर खाएं। नाश्ता हमेशा हेल्दी होना चाहिए, यही आपको पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद करती है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और बच्चा भी 6 महीने का हो गया है तो इसके बाद हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए इस संबंध में आप डॉक्टर से सलाह ले सकती हैं। अपनी डाइट से सोडा, शुगर, जूस बाहर निकाल दें, तली भुनी चीज़ें ना खाएं। आई होप जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू।